एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 13 अक्टूबर को स्पेस के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। कंपनी का स्टारशिप रॉकेट इस बार समुद्र या जमीन पर गिरकर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि रॉकेट की उसी लॉन्चिंग पैड पर सफल लैंडिंग हो गई है जहां से उस रॉकेट ने उड़ान भरी थी। इसके बाद अब इसी रॉकेट को दूसरी बार इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हो गया है। वास्तव में ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब किसी वापस आते हुए रॉकेट को हवा में ही पकड़ लिया गया हो और उसे गिरकर टूटने से बचा लिया गया हो। ऐसा करने के लिए रॉकेट को वापसी के समय लॉन्चिंग पैड पर दो बड़ी बड़ी मैकेनिकल आर्म्स ने पकड़ लिया था। इसे आप दो बड़ी क्रेन टाइप मशीनों जैसा समझ सकते हैं। वैसे ये आर्म्स उस लॉन्च पैड का ही हिस्सा है जहाँ से रॉकेट स्टारशिप ने उड़ान भरी थी। इस आर्म को मैकेजिला का नाम दिया गया है और इसी मैकेजिला ने रॉकेट के बूस्टर को हवा में पकड़ लिया था। लगभग 400 फीट यानी 121 मीटर लंबे स्टारशिप को मैक्सिको की सीमा से निकट टेक्सास के दक्षिणी सिरे से लॉन्च किया गया था। टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हेवी बूस्टर को लॉन्चिंग पैड पर वापस ले आया गया है। इससे पहले स्पेसएक्स ने 4 बार इस टेस्ट को किया था लेकिन वह असफल रहा था। पहले के सभी 4 स्टारशिप मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर से कर्व बनाते हुए गुजरे थे और फिर नष्ट हो गए थे। कोई स्टारशिप या तो उड़ान भरने के तुरंत बाद नष्ट हो गया या तो वो समुद्र में गिरकर नष्ट हो गए थे। वैसे बता दूं कि स्पेसएक्स ने पहले चरण के बूस्टर को वापस उसी पैड पर उतारा जहां से उसने 7 मिनट पहले उड़ान भरी थी। लॉन्च टावर पर मेटल की दो बड़ी रॉड लगी थी जिसे चॉपस्टिक का नाम दिया गया है। स्पेसएक्स ने कहा कि बूस्टर और लॉन्च टावर दोनों को अच्छी और स्थिर स्थिति में होना चाहिए, नहीं तो इसका नतीजा पिछले लॉन्च स्टेशन की तरह ही होगा। इस लॉन्च के दौरान अंतरिक्ष में गए सुपर हेवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर उतारा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन्स लगे हैं जबकि सुपर हेवी स्टारशिप में 3 रैप्टर इंजन्स लगे हैं। इसका थ्रस्टर पावर नॉर्मल फ्लाइट के मुकाबले 700 गुना ज्यादा है। बूस्टर के बेस पर 33 इंजन लगभग 74 मैग्नीट्यूड का बूस्टर जनरेट करते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक ऐसा स्पेसशिप तैयार किया है जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, यानी ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री आसानी से धरती पर दोबारा वापस लौट सकते हैं। वैसे बता दूं कि इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और ये 150 मेट्रिक टन भार ले जाने की क्षमता रखती है। स्टारशिप सिस्टम इतना ताकतवर है कि एक बार में 100 लोगों को मार्स पर ले जा सकती है, वो भी बिना किसी परेशानी के, और इसीलिए ये स्पेस के क्षेत्र में एक बड़ा सक्सेस माना जा रहा है। पर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।